हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में मेयर के लिए इंतखाबात चंद रोज की दूरी पर, मेयर के उम्मीदवारों का आमने सामने पहला मुबायसा, मेयर जॉन टोरी अपने इकदामात का दिफा करते नजर आए। कनाडा में माहरीन की मुल्की मईशियत के मजीद सुस्त होने की पेशगोई, वफाकी खसारा 25.8 बिलियन डॉलर तक जाने की तवक्को। माहरीन का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा साल के आखिर तक अपनी कलीदी शरह सूद को बढ़ाकर 4% करेगा। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान, इतवार की रात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के तफरीही मकाम पर मुसल्ला शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रूस ने आलमी बरादरी को तीसरी आलमी जंग से खबरदार कर दिया, प्योतन की तुर्की को गैस सप्लाई हब बनाने की तजवीज़। फलस्तीनी सदर का कहना है कि वो फलस्तीनी आवाम के लिए रूस की पोजीशन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। अमरीकी कांग्रेस कमेटी में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशी के हुक्म की करारदाद पर वोटिंग, अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कांग्रेस कमेटी की करारदाद की मजम्मत। ट्रंप का कहना है कि सिलेक्ट कमेटी ने सिर्फ मुल्क को तकसीम करने का काम किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. टोरंटो में मेयर के लिए इंतखाबात चंद रोज़ की दूरी पर हैं, जबकि उम्मीदवारान वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मेयर के लिए इंतखाबात चंद रोज़ की दूरी पर हैं, जबकि उम्मीदवारान वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में मेयर के दो मुबाहिसों में से पहला मुनक़िद किया गया, जिस पर जॉन टोरी ने इत्तेफाक किया। गोल मेज मुबाहिसे में अपनी 4 हरीफों से मुकाबला किया, जैसा कि तवक्को की गई थी। आने वाले ने खुद को दिफाई अंदाज में पाया। गिल पेनल्सा, चार्ली ब्राउन, सारा सिलमेंगा और जैक यैन के साथ टोरी ने इस बहस में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम सीनियर्स ने किया था। CARP ग्रुप टोरी ने अपने रिकॉर्ड का दिफा करने की कोशिश करते हुए सस्ती रिहाइश और ट्रांजिट तामीर करने की कोशिशों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं अपने तजुर्बे को इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टोरंटो पहले से ज़्यादा मजबूत हो। मेयर की दौड़ में उनके अहम मद मुकाबल पेनल्सा ने गिरते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टोरी को तनकीद का निशाना बनाया। पेनल्सा ने कहा, गुज़िश्ता 8 सालों में शहर कम सस्ता, कम मसावी, कम पायदार रहा है और हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। टोरी ने एतराफ़ किया कि वो शहर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ये कहते हुए कि हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर करेंगे। अगली बहस टोरंटो रीजन बोर्ड ऑफ ट्रेड में 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे हो रही है, जबकि इलेक्शन का दिन 24 अक्टूबर है। कनाडा के पार्लिमानी बजट अफसर पेश गोई कर रहे हैं कि 2022 के दूसरे मरहले में मईशियत काफ़ी सुस्त हो जाएगी और अगले साल कमज़ोर रहेगी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा में माहरीन ने मुल्क की मईशत के मजीद सुस्त होने की पेशगोई की है। कनाडा के पार्लिमानी बजट अफसर पेशगोई कर रहे हैं कि 2022 के दूसरे मरहले में मईशत काफ़ी सुस्त हो जाएगी और अगले साल कमज़ोर रहेगी, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने शरह सूद में इजाफा जारी रखा हुआ है। अपने ताज़ा तरीन मौशी और मालियाती नुक्ता नज़र में बजट के निगरान एजेगू का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि बैंक ऑफ कनाडा साल के आखिर तक अपनी कुलीदी शरह सूद को बढ़ाकर 4% कर देगा,
इससे पहले कि 2023 के आखिर में अपराध जर की रफ्तार में कमी आएगी। आउटलुक में ये भी अंदाजा लगाया गया है कि 2022 से 2023 माली साल के लिए विफाकी खसारा 25.8 बिलियन डॉलर या GDP का 0.9% तक गिर जाएगा। पिछले माली साल के दौरान खसारा 57 बिलियन डॉलर या GDP का 3.9% था। ये फर्ज करते हुए कि कोई नया इकदाम मुतारिफ नहीं किया गया है और मौजूदा आर्जी इकदाम तवक्को के मुताबिक ख़त्म हो जाएंगे। PBO का तखमीना है कि खसारा मजीद कम होकर 2027 से 2028 तक 3.1 बिलियन डॉलर या GDP का 0.1% रह जाएगा। PBO ये भी पेशगोई कर रहा है कि 2027 से 2028 तक विफाकी कर्ज से GDP का तनासुब 2020 से 2021 में अपने उरूज से कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वबाई अमराज से पहले की सतह से ऊपर रहेगा। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहरी धूप से भी लुत्फ़अंदोज होंगे, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहरी धूप से भी लुत्फ़अंदोज होंगे, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इतवार की रात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 13 और रात के औकात में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज दिन के औकात में धूप निकली रहेगी, जबकि दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रात के औकात में शहर में तेज बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। इतवार की रात से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के तफरीही मकाम पर मुसल्ला शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के तफरीही मकाम पर मुसल्ला शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के दारुल हुकूमत राली के हाइकिंग ट्रेल पर पेश आया, जहां लोगों का हजूम तफरी की गर्ज से जाता है। गोलियों की जद में आने वाले 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में भी एक पुलिस अफसर शामिल है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मरने वालों में एक पुलिस अफसर भी शामिल है, ताहम वो हादसे के वक्त ड्यूटी पर नहीं थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ताहाल मुलजिम की शना, उम्र और फायरिंग करने की वजूहात से मुतालिक मीडिया को आगाह नहीं किया। हाल ही में अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो की एक सुपरमार्केट में होने वाले फायरिंग के वाकयात से मुल्क भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद 30 साल में पहली मरतबा अमरीकी कानून साजों ने असलहे की फरोख पर काबू पाने की गर्ज से इसलहात पर इत्तेफाक किया है। यूक्रेन की जानिब से नेटो में शमूलियत में तेजी लाने पर रूस ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की जानिब से नेटो में शमूलियत में तेजी लाने पर रूस ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेंडिकटोव ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत तीसरी जंग अजीम की वजह बन सकती है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि कीव को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस किस्म का इकदाम यकीनी तौर पर मामलात को जंग अजीम स्वयं की तरफ ले जाएगा। अलेक्जेंडर वेंडिकटोव का कहना था कि शायद वो लोग भी यही चाहते हैं। मगरिब ने यूक्रेन की मदद करके साबित किया कि वो इस तनाज़े में बराह रास्त फरीक बन गया है। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में सरबराह इजलास के मौके पर रूसी और तुर्क सदर की मुलाकात हुई। इस मौके पर सदर प्यूतन और सदर तैयब उर्दवान के दरमियान दो तरफा उमूर पर बातचीत हुई। सदर प्यूतन ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि तुर्किया यूरोपीय यूनियन को गैस की फराहमी के लिए सबसे काबिल एतमाद रास्ता साबित हुआ। प्यूतन ने तुर्किया को गैस सप्लाई हब बनाने की तजवीज़ दी। रूसी सदर का कहना था कि कुदरती गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हम आसानी से गैस की कीमतों को मार्केट की सतह पर बगैर किसी सियासी दबाव के रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरी जानिब फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर प्यूतन की मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने इसराइल के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका पर अदम एतमाद जाहिर किया, जबकि रूस के किरदार की तारीफ की। सदर महमूद अब्बास ने कहा वो फलस्तीनी आवाम के लिए रूस की पोजीशन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। उनका कहना था कि रूस इंसाफ और बैनुल अक्वामी कानून के साथ खड़ा है,
जो हमारे लिए काफ़ी है। अमरीकी कांग्रेस कमेटी की समात में नतीजा निकाला गया कि ट्रंप को इलेक्शन हारने का इल्म था और उन्होंने जानबूझकर कैपिटल हिल पर हमला करवाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस कमेटी की करारदाद की मजम्मत की है। अमरीकी कांग्रेस कमेटी में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशी के हुक्म की करारदाद पर वोटिंग हुई। कमेटी ने 6 जनवरी की आखिरी समात पर डोनाल्ड ट्रंप के पेश होने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। कमेटी की समात में नतीजा निकाला गया कि ट्रंप को इलेक्शन हारने का इल्म था और उन्होंने जानबूझकर कैपिटल हिल पर हमला करवाया। समात में कहा गया कि ट्रंप ने हमला रोकने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का केस बनाने की सिफारिश का भी इम्कान है। एक बयान में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सवालात उठाते हुए कहा कि सिलेक्ट कमेटी ने मुझे गवाही के लिए पहले क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने मजीद सवाल किया कि उन्होंने अपनी आखिरी मीटिंग के आखिरी लम्हात तक इंतजार क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि सिलेक्ट कमेटी ने सिर्फ मुल्क को तकसीम करने का काम किया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।